हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स किड्स केयर। मेरे एक व्यूअर्स ने ये वीडियो बनाने के लिए मुझे सजेशन दिया था, कमेंट्स किया था। तो जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं, जिन लोगों का अभी 6 मंथ्स तक या उससे बड़ा बेबी बॉय है, उनको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। उनको ये चीज़ मार्क करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाद में चल के हो सकता है ये कैंसर का रूप ले ले, नहीं तो जो इनफर्टिलिटी है उसका भी चांसेस रहता है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो पहले, अगर आपका बेबी बॉय है और विथिन 1 ईयर्स उसका एज है, तो आपको करना क्या है, आपको चेक करना है आपका बेबी बॉय का जो टेस्टिस है, जो अंडा है, वो स्क्रोटम में नीचे अंकोश में आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया है कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको डॉक्टर को दिखाना है। लेकिन किस एज में आपको डॉक्टर को दिखाना है, कब तक वेट करना है और किस एज में आपको उसका सर्जरी करा लेना चाहिए, वही सब मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो पहले आप टेस्ट करिए। अगर आपका बेबी अभी न्यूबॉर्न बेबीज है, 1 मंथ से भी कम है, तो आपको चेक करना है कि बच्चे का जो अंडा है वो नीचे आया है या नहीं आया है। इसको बोलते हैं, अगर नहीं आया है इसको बोलते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस। मतलब जब बच्चा पेट में होता है प्रेगनेंसी के टाइम, 3 मंथ्स में ही बच्चे का जो अंडा होता है, टेस्टिस होता है, वो स्टार्ट होता है नीचे आना, स्क्रोटम में आना। 3 मंथ्स, 5 मंथ्स, 7 मंथ, 9 मंथ्स तक नीचे आ जाता है। लेकिन जो बच्चे कमज़ोर बच्चे होते हैं या उनका ड्यू डेट से पहले जो बच्चे प्रीमेच्योर बेबी होते हैं, उन केस में चांसेस रहता है बच्चे का जो टेस्टिस है, अंडा है, गोलियाँ हैं, वो अंडकोश में नहीं आता। तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए बच्चे का पैदा होने के बाद। कितना दिन वेट करना है, 15 से 20 दिन, और 1 मंथ तक वेट करिए। मे भी बाद में वो नीचे आ सकता है। कभी कभी क्या होता है, वो जो अंडा होता है वो टेस्टिस रुक जाता है, कभी कभी पेट में या जो नीचे जो पार्ट है उसके साइड में भी वो रह जाता है। तो अगर नहीं आया है तो आ जाएगा। नहीं आया है, आप 20 दिन वेट किए नहीं आ रहा है, तो आपको जैसे भी करके डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके पता कर सकते हैं कि वो जो टेस्टिस है वो कहाँ रुका हुआ है। उसके बाद अगर अभी आपका बच्चा 6 मंथ्स का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लेट नहीं हुआ है अभी तक, अगर उसका अंडा जो है नीचे नहीं आया है, तो सर्जरी हो सकता है। 6 मंथ से लेके 1.5 साल के अंदर कभी भी सर्जरी हो सकता है। छोटा सा सर्जरी है, छोटा सा चीरा लगाते हैं, उसके बाद फाइबर को मूव करके उनका डॉक्टर का प्रोसीजर है, उसको नीचे लाया जाता है। तो अगर आप अभी से 1.5 साल के अंदर आप अगर बच्चे का सर्जरी नहीं करा रहे हैं, तो बाद में वो क्या होगा, मे बी कैंसर हो सकता है और इनफर्टिलिटी का भी चांसेस रहता है। इनफर्टिलिटी इसीलिए होता है क्योंकि जो अंडा होता है वो खाली स्क्रोटम में ही, उसका स्क्रोटम का टेम्परेचर कम होता है, वहीं पे ही वो स्पर्म रिलीज कर सकता है, और पेट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वहाँ पे स्पर्म नहीं बन पाता है, इसी के वजह से ये सब प्रॉब्लम होता है। तो आपको 1.5 साल के अंदर बच्चे का सर्जरी करा लेना चाहिए, और 20 दिन के बच्चे का पैदा होने के 20 दिन के अंदर ही आपको डॉक्टर से एक बार, अगर आप उससे पहले अगर डॉक्टर से जाके बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट 20 दिन तो आपको वेट करना ही है। उसके बाद जाके आप जैसे भी करके डॉक्टर से आपको मिलना है, अल्ट्रासाउंड कराना है और ये सब प्रोसीजर कराना है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत सारे पेरेंट्स जो न्यू, जिनका फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उनको पता नहीं होता है। तो थैंक्स टू दैट व्यूअर्स जिन्होंने मुझे ये मैसेज किया था, बहुत पहले मैसेज किया था तो वीडियो बनाने के लिए लेट हो गया। अगर आपको भी पता नहीं है तो ये सब जाके डॉक्टर से पूछिए, जानकारी लीजिए, बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।